चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की जो कि लखनऊ से मिल रही है। जब भारत इंग्लैंड के बीच आज मैच होकर शहीद पथ पर गाड़ी रोकी तो सीज कर दी जाएगी, वाहन उठाने के लिए ट्रेन मुस्तैद रहेंगी। शहीद पथ पर रोडवेज बसों पर भी रोक रहेगी, केवल सिटी बसों का ही आवागमन होगा। ट्रैफिक डायवर्जन का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से अब डायवर्जन की बात की जा रही है, डायवर्जन किया जाएगा क्योंकि मैच के चलते काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों का आना शुरू हो जाता है और इसी के चलते ये कदम उठाया गया है प्रशासन की ओर से। चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अनूप चौधरी की ओर। अनूप, भारत इंग्लैंड के बीच आज मैच होने जा रहा है लेकिन इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं, मैच आज नहीं होने जा रहा है, मैच 29 अक्टूबर को होना है जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच मैच होना है। ये बहुत प्रतीक्षित मैच है जब जो 29 अक्टूबर को होगा, 29 अक्टूबर को चूंकि मैच होगा, लेकिन ये मैंने अभी बताया कि बहुत प्रतीक्षित मैच है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोग यहाँ पर राजधानी लखनऊ में उसका जमावड़ा होगा और राजधानी लखनऊ के काना स्टेडियम वर्ल्ड कप की मैच की मेजबानी कर रहा है। कई मैचों की मेजबानी कर चुका है उत्तर प्रदेश का लखनऊ का इकाना स्टेडियम और 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड के बीच मैच है क्योंकि अभी तक भारत के कोई नहीं हुए और 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड का बीच मैच होना है। ऐसे में इस बहुप्रतीक्षित मैच को लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है उनका जो जुनून है उफान पर है और क्रिकेट इससे पहले जो वर्ल्ड कप की मैच की मेजबानी की है इकाना स्टेडियम ने, जब मैच होता है इकाना स्टेडियम के ठीक ही सामने शहीद पथ है तो यहाँ पर शहीद पथ पे ही लोग जो यात्री होते हैं वहां पर खड़े होकर मैच को या क्रिकेटर को या वहां पर जो दर्शक होते हैं उनको देखने के लिए वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जो शहीद पथ पर रास्ता जो आवागमन सड़क का जो है आवागमन बाधित होता है, लंबा जाम लग जाता है, तो इन सभी दिक्कतों से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस ने एक प्लान तैयार किया है कि 29 अक्टूबर को वहां पर रूट डायवर्जन रहेगा, भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, हल्के वाहन ही वहां पर जा सकेंगे, दो पहिया वाहन ही जा सकेंगे, जो आवश्यक वस्तुओं के वाहन है उनको जाने की अनुमति मिलेगी लेकिन भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और जो भी वाहन वहां पर रोक कर अगर मैच या इकाना स्टेडियम को देखता है या फिर वहां दर्शकों की भीड़ को देखता है तो उनके वाहनों को सीज किया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम के जो बाहर जो स्टेडियम के पास में ही शहीद पथ है वहां पर लखनऊ पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है ताकि शहीद पथ को पूरी तरह से जो इकाना स्टेडियम के सामने का जो शहीद पथ है रोड है वहां पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया है, लंबी लंबी उसको जो है दीवारों से ढक दिया गया है ताकि जो राह चलते लोग हैं वो इकाना स्टेडियम को ना देख सके। जैसी बात है जिस तरह से लोग रास्ते पे चलते हुए इकाना स्टेडियम को वहां पर सामने रुक जाते थे, शहीद पथ पे लंबा जाम लग जाता था, जाम के चलते ही जो ट्रैफिक व्यवस्था थी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती थी क्योंकि जरा सा अगर जाम लगा तो कई किलोमीटर तक की जाम लग जाता था। ऐसे ही स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस ने वहां बैरिकेड कर दिया है ताकि इकाना स्टेडियम के सामने जो शहीद पथ का रास्ता है वहां के लोग आते जाते राह चलते हुए इकाना स्टेडियम वहां पर जो हो भी रहा है जो गतिविधियां हो रही उसको ना देख सके, इसको लेकर बैरिकेड कर दिया गया और किसी भी तरीके का वहां पर भारी वाहनों का प्रवेश आवागमन है वो प्रतिबंधित रहेगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी इन जो लखनऊ पुलिस का जो रूट प्लान है अगर उसको बाधित करता है या उसको जो तोड़कर आगे जाता है तो उसके खिलाफ लखनऊ पुलिस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, उनके वाहनों को भी सीज किया जाएगा क्योंकि भारत इंग्लैंड का बहुप्रतीक्षित मैच, मैंने फिर एक बार कह रहा हूँ, इसको लेकर यहाँ पर राजधानी लखनऊ में काफी जमावड़ा हो सकता है, इसको लेकर ही लखनऊ पुलिस ने एक प्लान बहुत पहले से कर रखा है जिसके तहत 29 अक्टूबर को जब भारत इंग्लैंड का मैच होगा वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम के साथ ही जो रूट डायवर्जन है वो भी रहेगा और जो इकाना स्टेडियम के सामने शहीद पथ पे जो रुकेगा वाहनों को वहां पर पार करेगा, वाहनों को रोकेगा तो उनके वाहनों को लखनऊ पुलिस सीज कर देगी। बने रहिए हमारे साथ अनुभव, आपसे और जानकारी हम लेंगे तो आपको बता दें इकाना स्टेडियम में 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच की वजह से शहीद पथ के साथ ही सुल्तानपुर रोड पर भी रोडवेज बसों का आवागमन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इन रास्तों पर कमर्शियल छोटे बड़े वाहनों का आना जाना भी प्रतिबंधित रहेगा, इन सभी को गुजरने के लिए वैकल्पिक रास्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ये निर्णय पुलिस आयुक्त ने दी है और GCB कानून व्यवस्था की ओर से भी ये बैठक हुई थी जिसके तहत ये निर्णय लिया गया ताकि जो ट्रैफिक जाम लगता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी, उससे आम जनता को किसी तरह की परेशानी या जोखिम का सामना ना करना पड़े।